सो गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाओ जिन बच्चों ने अभी तक नाम अपडेट नहीं किया उनकी कल क्लास नहीं लगेगी, क्योंकि इसका एक नया बैच बनेगा गुरुकुल का। गुरुकुल बैच का एक नया व्हाट्सएप आएगा। आज तो आप दो चार पांच दस पंद्रह बच्चे हो, कल से या परसों से इस बैच में डिफरेंट स्टेट से कुछ बच्चे आ जाएंगे। तो आपने अपना नाम अपडेट कर देना बच्चों जिन्होंने इस बैच में पढ़ना है। ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, इसमें कोई पैसा नहीं है अभी के लिए। दूसरी बात, इसमें टोटली सिलेबस रिवाइज करवाया जाएगा 9th और 10th का कंजेकटिवली। थर्ड थिंग, इसमें एनटीएससी की प्रिपरेशन करवाई जाएगी जिसमें मैट और सैट करवाया जाएगा। इस बैच में आपको टोटली वन शॉट रिवीजन कॉन्सेप्ट करवाऊंगा। वन शॉट रिवीजन कॉन्सेप्ट क्या होता है अगर नहीं पता तो, वन शॉट रिवीजन ये होता है, सपोज कर लीजिए वन शॉट रिवीजन का मतलब मैं सारे टॉपिक्स वन शॉट रिवीजन में कवर करूंगा। वन शॉट रिवीजन का मतलब ये है, जिसको नहीं पता मैं उसको 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं हम लगाएंगे, मुद्दे की बात करेंगे। इसमें टाइम हमारे पास ऑलरेडी कम है, नवंबर का महीना चालू हो गया। मतलब इमेजिन कर लीजिए आपने वन शॉट रिवीजन में करना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर करना है, ठीक है भाई लोग? ठीक है, तो आपकी एक क्लास सुबह 10 बजे लगेगी, इमेजिन कर लीजिए। दूसरी क्लास लगेगी दोपहर के 2 बजे और तीसरी क्लास लगेगी 7 बजे। और एक दिन में ही, एक रिवीजन के अंदर ही ये चैप्टर खत्म करवा दिया जाएगा। इस चैप्टर को जो दुनिया में आपको करवाते हैं कम से कम इसमें 20 दिन लगाते हैं, हम एक दिन में खत्म कर देंगे विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर असाइनमेंट, प्रॉपर एवरीथिंग। इस बैच का ये महत्व है। गुरुकुल बैच वो ही करे जो कर सकता है, जिसमें हिम्मत है, जिसमें पेशेंस है, जिसमें पढ़ने की काबिलियत है। जो एक्स वाई जेड करना बच्चा, आप लोग मत पढ़ो, यहाँ पे टाइम वेस्ट करोगे अपना, ठीक है? तो इस बात को समझ के काम करना है। गुरुकुल बैच इज अ सीरियस बैच, पढ़ने की टाइम है। इसमें आपको प्रॉपर असाइनमेंट मिलेगा, प्रॉपर टेस्टिंग होगा, प्रॉपर होमवर्क मिलेगा। नहीं किया तो आपको साइडलाइन किया जाएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है बच्चों? तो आओ जी, ज्यादा बात ना करते हुए काम की शुरुआत करते हैं, जिसका आज हमने दो टॉपिक्स करने हैं। एक टॉपिक आज करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है जी, एसिड बेस सॉल्ट्स। और दूसरा टॉपिक आज हमने करना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, एक टॉपिक ग्रेड 9 का, एक टॉपिक ग्रेड 10 का। तो एक करेंगे एसिड बेस सॉल्ट्स, मतलब स्टैट से स्टार्ट करेंगे, सैट और मैट। तो आज हम स्टैट की स्टार्ट कर रहे हैं, सैट में एसिड बेस सॉल्ट्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आपका एक ग्रुप बना दिया जाएगा, उसमें आपको सारे नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा उसमें, ठीक है? तो आइए जी, इस जो इसमें पढ़ना है वो आप नॉर्मल लाइफ में नहीं पढ़ते, तो इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आइए जी पढ़ते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी एंड येट वेरी इनोवेटिव टॉपिक, आई शुड से। व्हाई इनोवेटिव? बिकॉज हर बार इसमें नया कुछ ऐड कर देते हैं कुछ किताबें, कुछ टीचर्स, कुछ साइंटिस्ट एसिड बेस सॉल्ट में कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इनफैक्ट आई शुड से सच एन इंटरेस्टिंग दैट इफ यू love this topic, it's gonna be very interesting for you all, right? So let's do acid bases and salts. तो बेटा acid base and salt का नाम बाद में आता है, पहले हमारे पास जो नाम आता है वो है एक term का जिसका नाम है electrolytes. So electrolytes क्या होते हैं? These are the compounds which can dissociate और डीकम्पोज, आई कैन से अ बेटर वर्ड, विच कैन डिसोशिएट और डीकम्पोज, या वो टूट सकते हैं कौन सी स्टेट में? इन देयर मोल्टन और एक्वा स्टेट, इन देयर मोल्टन और एक्वा स्टेट। बहुत सारे बच्चों को चीजें पता है, मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइट्स वो कंपाउंड्स हैं जो अपनी एक्वस या मोल्टन स्टेट में ब्रेक डाउन कर जाते हैं, क्योंकि हम छोटी क्लासेस में डील कर रहे हैं, अभी 9th 10th में है। एक्वा स्टेट का मतलब होता है पानी वाली स्टेट, वाटर वाली स्टेट, और मोल्टन स्टेट का मतलब होता है पिघली हुई स्टेट, जो हम हमारी जैसे मोम होती है, कैंडल वैक्स होती है, वो मोल्टन स्टेट होती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अ कंपाउंड्स व्हिच कैन डिसोसिएट और डीकम्पोज इन द मोल्टन और द एक्वा स्टेट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं आपको, मोल्टन NaCl, डाइल्यूट H2SO4 एटसेट्रा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये बात आपको समझनी है।
तो सर इलेक्ट्रोलाइट्स तो हो गए, तो हमारे पास दुनिया में अगर मैं कंपाउंड्स की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द कंपाउंड्स, देयर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, हमारे पास दो तरह के कंपाउंड होते हैं दुनिया में। जो पहला कंपाउंड होता है उसको आप कहते हो इलेक्ट्रोलाइट्स, वो मैं आप बता चुका हूं, यू टर्म देम एज इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड द सेकंड कंपाउंड इज कॉल्ड एज द नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, आप उनको कहते हो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, वी हैव डिस्कस दिस, व्हाट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, कंपाउंड्स व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और व्हिच डू नॉट डिसोसिएट और डू नॉट डीकंपोज, उनको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। सर एग्जांपल देके बताइए, एग्जांपल देते हैं हम आपको इसका, इसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा सॉलिड NaCl, सॉलिड NaCl। मन में सवाल आता है सर ये क्यों नहीं डीकंपोज करेगा, व्हाई इट विल नॉट डीकंपोज, मन में थोड़ा सा सवाल तो बच्चों में आ ही सकता है, आखिरकार तो आप बच्चे हैं। तो इसमें सवाल बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो सॉलिड NaCl है ना भाई लोग, उसमें क्या होता है, इसमें बहुत सिंपल है, सॉलिड NaCl जैसे सपोज है, इसमें वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ NaCl है, ये एक आयनिक कंपाउंड, आप सबको पता है, दिस इज एन आयनिक कंपाउंड, जिसको नहीं पता है बता दो। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं, ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बना है, इसलिए ये कौन है, एक आयनिक कंपाउंड है। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इट कैनॉट ब्रेक, दैट द सॉलिड कैनॉट बी ब्रोकन डाउन, और द सॉलिड कैन नॉट बी, द सॉलिड कैन नॉट बी, हम उस सॉलिड को डीकंपोज नहीं कर सकते, कैनॉट बी ब्रोकन डाउन और डीकंपोज डाउन। ये बात समझ लिया, तो सारी जो है वो हम डीकंपोज नहीं कर सकते। दूसरी बात, जिसने भी कोई मेरे से बात करनी है बेटा, यहां पे मेरे से व्हाट्सएप सॉरी बोल के बात करना, ठीक है, क्योंकि मैसेजेस देखता हूं तो मुझे मुश्किल होती है श्रेष्ठ बेटे, ठीक है, मेरा कॉन्सेंट्रेशन खराब होगा बेटा, होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो सॉलिड आपका डीकम्पोज नहीं कर पाते, तो डीकम्पोजिशन करने के लिए आपको एक्वस चाहिए या फिर दूसरा स्टेट चाहिए, वो है मोल्टन स्टेट। ये बात आपको समझनी है, अच्छे से समझनी है, इसमें कोई शंका हो तो मुझे बता देना, ठीक है बच्चों, तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हो, कोई चीज पूछ सकते हो अगर हो। दूसरा, अब मैंने बता दिया इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो मैं रिपीट कर रहा हूं आपके साथ, इलेक्ट्रोलाइट्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर सकते ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजंस, उनके अलग अलग रीजंस हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करो तो इलेक्ट्रोलाइट्स में भी बेटा दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, एक आते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक आते हैं बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके 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 सर, इनका थोड़ा मतलब समझाइए, मैं मतलब समझाता हूं आपको। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिनकी बेटे जो अल्फा होता है ना बड़ी हाई होती है, ठीक, अल्फा बीटा गामा, हम क्या रेडियो एक्टिव रेडिएशन पढ़ते हैं, मस्त टॉपिक है भाई। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं, जिनका अल्फा लो होता है। सर ये अल्फा क्या सिस्टम है, थोड़ा हमें इसके बारे में हमें पढ़ा कभी तो पढ़ाते हैं। अल्फा इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा को आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हो, अल्फा को आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हो। सर ये क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बताओ और हमें, तो मैं आपको और बताऊंगा, बस नोट करते रहना क्योंकि ये चीजें आपको दोबारा नहीं मिलने वाली, नोट करने में आप जबरदस्त लगाना। अल्फा इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मिस हो गया हो गया, आप पीछे रह जाओगे, इसलिए नोट करते रहिए। जिंदगी में आगे बढ़ना है, पीछे नहीं मुड़ना आपने, सो इट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि अगर आप आगे नहीं बढ़े तो जिंदगी में आपको कुचल के कोई और आगे बढ़ जाएगा, ये बात स्पष्ट रखनी है। आप मेहनत करो, हिम्मत मत हारो, हारते हो गिरते हो कोई बात नहीं, बट हिम्मत नहीं हारनी, यू कीप ऑन वॉकिंग सच। देखिए आपका जब तक रात को बेड में पड़ो ना, आपकी बॉडी कहे यार बस अब सो जाए, ये बात आपने समझ के चलनी है। आप बिलीव करिए जब तक मेरी बॉडी यस करती रहती मैं काम करता रहता हूं, आपने भी ये काम अडॉप्ट करना है। और जिंदगी में वो परमात्मा वो वाहेगुरु आपको जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं आने देगा, चाहे वो मनी है, चाहे वो फेम है, चाहे वो कुछ भी है, यू विल नेवर फील डेफिशिएंट ऑफ एनीथिंग इन फ्यूचर, अगर आप अपनी 120% एफर्ट लगाते रहे विदाउट एक्सपेक्टेशंस ऑफ द आउटकम्स या एक्स वाई जेड चीजें।
अगर इनकी चीज है, इनकी आपने सोचना बंद कर दिया इनके बारे ना, तो आपके पास किसी चीज की डेफिशिएंसी नहीं होने वाली। ये बात मेरी एक बात याद रखना जिंदगी का तजुर्बा बता रहा हूं। मैंने अपने बिजनेस में बहुत लॉसेस भी देखे और बहुत मुनाफे देखे हैं। वो एक ही बात है, मेरे मदर कहते हैं जब कुछ नुकसान होता है कहते विशाल तू लगा रहे, चिंता मत कर किसी बात की। तो आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी, मेरा रैंक आएगा, मैं एनटीएससी तैयार करूं, मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये नहीं सोचना। आपने ये सोचना है मेरे पास क्या है, अगर 1% भी चांस हो ना जिंदगी उसके पीछे लगा देते हैं, ठीक है ना। तो आपने ये नहीं सोचना, मैंने आपको बताया मेरा नया घर बन रहा है, मेरे पास 1% चांस है कि 1% पैसा उस बिल्डिंग का, आई एम आफ्टर इट, देखी जाएगी जो होगा। तो आप देखिए छोटी सी जिंदगी है, कीप ऑन टेकिंग स्मॉल स्मॉल कैलकुलेटेड रिस्क इन लाइफ सो दैट यू ऑलवेज गो अहेड। तो तजुर्बे से रिस्क से दो चीजें मिलेंगी, या तो आप गिर जाओगे तो आप वहां से सीख लोगे, तो या तो आप आगे बढ़ जाओगे, कुछ और तो होगा नहीं। यू विल नॉट डाई, नथिंग वुड हैपन टू यू, सो कीप ऑन वर्किंग। एनटीएससी है, गुरुकुल है, कुछ भी है, सीखते जाओ, अपने दिमाग का गड़ा भरते रहो। पता नहीं कौन सी जिंदगी में कौन से मोड़ पे आपका कौन सा स्लम डॉग हो जाएगा, मिलियनेयर हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। सो कीप ऑन लर्निंग। सो अल्फा आई वाज एक्सप्लेनिंग इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कुछ स्मार्ट लोग जो होते हैं इसको डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी कहते हैं, कुछ लोग इसको डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी कहते हैं। मेरी इस बात की 120% गारंटी है, इस क्लास के अंदर ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा कि किसी ने आज तक पेड में नहीं पढ़ाए होंगे जो मैं फ्री पढ़ा दूंगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो मैथमेटिक्स है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो क्वांट्स है, चाहे वो कोई कुछ है, ऐसे ऐसे जुगाड़ बताऊंगा आपको। सो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है भाई। तो सर आपको अब पता कैसे लगेगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि भाई CH3COH एसिटिक एसिड है ये, इसका नाम एसिटिक एसिड होता है, जिसको नहीं पता आप इसको सिरका भी बोलते हो, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लो है। अच्छा ऐसा है, हाँ भाई, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, भैया इसकी डिग्री डिसोसिएशन हाई है। तो कैसे पता लगा आपको सर, आप कौन सा मंत्र मार के आए हो? कोई मंत्र नहीं मारा सर, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उनका अल्फा लो होता है। जो हाई होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सर, द वंस दैट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाई होता है। ये मेरी बात आपको स्पष्ट रखनी है। जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लो हो उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, जिसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाई हो उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ये बात को समझना है। ये आपको कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे, अगर आप प्रैक्टिकली मेरे से पूछे ना, प्रैक्टिकली, तो आपने प्रैक्टिकली याद रखना है। इमेजिन कीजिए जो कंपाउंड्स Which completely dissociate, जो पूरे के पूरे ब्रेक डाउन कर जाते हैं, कंपाउंड विच कंप्लीटली डिसोशिएट, जो पूरे टूट गए, उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड द कंपाउंड, वो कंपाउंड जो पार्शली डिसोशिएट करते हैं या आयोनाइज करते हैं, द कंपाउंड विच पार्शली डिसोशिएट और आयोनाइज, उनको हम क्या कहते हैं, वी टर्म देम एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। एंड दैट इज वाई माय फ्रेंड्स, दैट इज वाई, अगर क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट करते हैं इसलिए इनका ग्रेटर वैल्यू ऑफ, इनकी ग्रेटर वैल्यू ऑफ अल्फा होती है, विच मींस द ग्रेटर वैल्यू ऑफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जब मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करता हूं जो पार्शली डिसोसिएट करते हैं, इनकी स्मॉलर वैल्यू ऑफ अल्फा होती है, दैट मींस दे हैव lesser value of the degree of dissociation. I'm again repeating, this is the degree of dissociation, mere bachcho. Isko degree of dissociation bhi kehte ho. Isko nikalne ke bahut ways hai. Isko nikalne ke bahut sare ways hai. Main aapko sikha dunga. Har one seekhta hum jo shubha plus one mein. This is very easy. तो ये बात आपको समझनी है, ठीक है। इतनी बात लग गई समझ, तो हमने क्या सीखा, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास वो कंपाउंड्स हैं जो कंप्लीटली पार्शियली डिसोसिएट करते हैं, जो बिजली कंडक्ट करते हैं ब्रेक डाउन करके अपने, राइट। उसके बाद हमने सीखा कुछ
नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो अपने मोल्टन और एक्वस फॉर्म में नहीं जाते और वहां पे नहीं डीकम्पोजिशन करते। और दूसरा हमने सीखा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएशन करते हैं, उनकी अल्फा बड़ी होती है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होता है। कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होती है। यहां हम सीख चुके हैं। अब सवाल आता है सर ये टूट के जाते हैं, मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग है चाहे वो मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, ये ब्रेक डाउन तो होते हैं, ब्रेक डाउन होके जाते कहां पे हैं, है ना? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक डाउन, जब मैं इनको पानी में डिसॉल्व करता हूं ये कटायंस और अनायंस की फॉर्म में फॉर्म हो जाते हैं बेटा, ये कटायंस और अनायंस की फॉर्म में फॉर्म होते हैं। सर थोड़ा सा एग्जांपल दोगे जरूर दूंगा। सपोज कर लीजिए एक NaCl में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ले लेते हैं, उसमें डाल दिया एक्वस प्लस पानी डाल दिया तो एक्वस हो गया बेटा। अगर आपने इसको इजी भाषा में लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्वस को, यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, जैसे सारे लिखते हैं NaCl पानी में डाला, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये बात समझ नहीं है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। बेटा आप सबको पता है ये कटायन है, आप सबको पता है बेटा ये अनायन है। जो कटाइन होता कहां जाता है बेटा, कैथोड पे जाता है, ये बात समझनी है। एनायन जो है बेटा कहां जाता है सर, एनोड पे जाता है। सर आपको कैसे पता? सर मुझे ये पता है, मैंने आपको एक शॉर्टकट सिखाया हुआ है बचपन में, छोटी क्लासेस में सिखाया है सर, सीसी ए और सीसी, करेक्ट, ए सीसी, दैट मींस सर इसका मतलब जो कटाइन होगा बेटा वो कैथोड पे जाएगा सर, जो अनायन होगा वो कसम खुदा की वो एनोड पे ही जाएगा, अपना रास्ता नहीं बदलेगा, जहां उसका मंजिल है वहीं जाएगा, अपने लक्ष्य के पीछे जाएगा। हम लोग थोड़े जो आज इधर कल उधर, आज IIT करनी है कल शेफ बनना है परसों मिनिस्टर बनना है चौथ को घर में बर्तन साफ करने हैं, नहीं, आपका लक्ष्य सेम होना चाहिए, आपका टारगेट सेम होना चाहिए। तो कटाइन ने हमेशा कैथोड पे पहुंचना है, अनायन ने हमेशा एनोड पे पहुंचना है, आपने कहां पहुंचना है वो डिसाइड करो। तो सीसी और ए डिपेंड करता है बेटा, ठीक है? तो कटाइन हमेशा कैथोड पे, अनायन हमेशा एनोड पे। इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करता हूं मैं, थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं। अब ये कैथोड एनोड आपको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जो कैथोड होता है और जो एनोड होता है ये कौन होते हैं, दीज आर टू इलेक्ट्रोड्स, दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड, दिस इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इसको आप कैथोड को कहते हो नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यू टर्म इट एज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एंड एनोड को आप कहते हो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दैट इज व्हाई ओनली, इसीलिए एनोड पे कौन चिपकता है, एनोड पे जब भी डाल लेता है बिग बॉस के घर जाके कौन डाल लेता है, अनायंस डाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि अनायंस लव लाइक यू लव आइसक्रीम, अनायंस लव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। कैथोड को कौन प्यार मोहब्बत करता है, कल हो ना हो वीर जारा, ये कौन है, कटाइंस और कैथोड्स करते हैं आपस में, इनमें वीर जारा स्टार्ट हो जाती है, जन्मों जन्मों का प्यार स्टार्ट हो जाता है, याद आ जाता है ये हमारा है वो अपना है, क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है तो पॉजिटिव ने हमेशा नेगेटिव के पास जाना, नेगेटिव ने हमेशा पॉजिटिव के पास जाना, ये बात आपको समझनी है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। सो कैटाइन कैथोड पे कैटाइंस आएंगे, कैटाइंस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाते हैं इसलिए कैटाइंस पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना, अनायंस नेगेटिव होते हैं, ये याद रखनी है बात, ये ना भूल जाना, अनायंस नेगेटिव होते हैं कैटाइंस पॉजिटिव होते हैं, तो ऑपोजिट के पास जाते हैं, मेल फीमेल के पास जाता है, फीमेल मेल के पास जाता है, मेल में तो बहुत कम होते हैं तो आपको पता है। सो कैटाइंस जो होते हैं दे गो टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड दैट इज कैथोड, एनोड इज द अनायन दैट इज द नेगेटिव आयन दैट गो टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये बात समझनी है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं करके, जैसे NaCl हमने एग्जांपल लिया है ना, NaCl जब मैंने एग्जांपल लिया तो आप समझिए इस बात को, NaCl पानी में डाला ब्रेक डाउन कर गया, क्या बन गया, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है जी। अब ये जो है ना ये बड़ा प्यार प्यारा बच्चा है, ये बड़ा अच्छा बच्चा है, ये कहता है पापा पापा मम्मा मम्मा मुझे ना आपके थोड भैया के पास छोड़ाओ, मुझे कैथोड भैया के पास छोड़ाओ, कैथोड भैया पता है क्यों, कैथोड भैया के पास पबजी है, कैथोड भैया के पास फ्री फायर है, कैथोड भैया के पास क्लैश ऑफ क्लैंस है, आप तो मुझे कुछ नहीं देते, तो मम्मी जाके कैथोड के पास छोड़ आई।
और ये बहुत ही प्यारा बच्चा है, ये कहता है मम्मी मम्मी मुझे ना आइसक्रीम पार्लर छोड़ा, आप करवाते हो खिलाते हो करेले की सब्जी, आप खिलाते हो मटर पनीर खिलाते नहीं, आप पता नहीं क्या आलू वालू खिलाते हो, मुझे आइसक्रीम पार्लर जाके बादाम वाला दूध पीना है। तो ये जाएगा कहाँ, एनोड पे, ये जाएगा कैथोड पे, ये जाके करते क्या वहां पे। ये अब आप जाओगे पबजी वाली जगह तो गेम खेलोगे, आइसक्रीम पार्लर जाओगे तो बादाम दूध पियोगे क्योंकि पेट भर गया, चाम खाली मजा आ गया, मलाई चाम तंदूरी चाम साथ में रुमाली रोटी जब आप खाते हो तो आपको क्या होता है। अब ये था भूखा बेचारा, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, कोई मिल गया इसको, तो क्या हो गया, इसको क्या कहते हैं, रिएक्शन एट कैथोड, क्योंकि ये तो कैथोड पे गया था तो कैथोड पे रिएक्शन कर दिया, भूखे को प्यासे को पानी पिला दिया, बड़ा बहुत बड़ा पुण्य किया, रिएक्शन एट कैथोड। इसके पास थे 2-8, इसके पास कितने हो गए मेरे भाइयों और बहनों, 2-8-1, ये न्यूट्रल एटम बन गया, ये कटायन था, ये गया अपने ससुराल के घर में तो इज्जत मिली नहीं, चलो ससुराल में इज्जत लेते हैं, अब इसकी इज्जत तो वहां पे भी इन्होंने उतार ली, चलो कहते घर से बाहर, तो क्या बन गया Cl, और Cl प्लस Cl क्या बनता है, इट इज Cl2, ठीक है। तो कैथोड पे इस प्रोसेस को आपको तो पता ही है, रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं इसको, कहते हैं कैथोड पे क्या होता है बेटा, रिडक्शन होती है बेटा जी, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, क्या बात है जी, ऑक्सीडेशन होती है, आपको तो सारी बातें पता है, आप तो परम ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, आपके दिमाग में तो सारी बातें पहले भगवान ने डाल के भेजी है। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात समझनी है, ये कॉन्सेप्ट समझना है, हजारों बार ये कॉन्सेप्ट आता है, हजारों बार ये कॉन्सेप्ट जुड़ जाता है, ठीक है ना, ये बात आपको समझ के चलनी है अच्छे से, प्यार से, मोहब्बत से, ठीक है जी। अब अगला पॉइंट देखिए क्या होता है, इमेजिन करिए आपने, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता था, ये सब आपको पता है, 9-10 में पढ़ा हुआ है, मैंने नहीं पढ़ा है तो कहीं और पढ़ लोगे। अब आपको कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है जो कहीं नहीं पढ़ा, जो 11th में भी बहुत कम बच्चों के पढ़ते हैं। जब आपने NaCl पानी में घोला तो ये Na पॉजिटिव हो गया, ये Cl नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये पानी का, ये पानी जो ऊपर डालते हो, आप में से कोई बता सकता है ये जो पानी डालते हो उसका क्या फंक्शन है, आपको इसको हाइड्रेट कर रहा है, आपको इसमें हाइड्रोलिसिस कर रहा है, आपको कैटलिस्ट कर रहा है, XYZ नहीं, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है इसका वो समझिए। तो Na पॉजिटिव, ये वॉटर है ना, वॉटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है Na पॉजिटिव को नेगेटिव पोल्स के पास लेके जाना और इसको पॉजिटिव पोल्स के पास लेके जाना, Na पॉजिटिव को नेगेटिव पोल्स के पास लेके जाना और Cl नेगेटिव को पॉजिटिव, कौन से पॉजिटिव पोल, कौन से नेगेटिव पोल सर बात कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो बताता हूं। दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल, जिसको नहीं पता सीख लो, पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, जिसका डायपोल मोमेंट जीरो ना हो, मतलब सर इतनी मुश्किल बातें हमें नहीं आती, तो सिखा रहा हूं ना इजी करके सीखो, मतलब आप जब वाटर को लिखते हो इसके ऊपर ये चार्ज होता है, ठीक है, ये यही है, मतलब ये पॉजिटिव पोल जो है ये जाएगा इसके पास, जफ्फी डाल देगा, जाके छोड़ेगा नहीं, जादू की जफ्फी डाल देगा संजय दत्त जी की, ये नेगेटिव पोल इसके पास जाके चिपक जाएगा, मतलब Na पॉजिटिव। ये बात समझ नहीं है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स को हम ये भी कहते हैं, ये डायपोल मॉलिक्यूल है, ये डायपोल मॉलिक्यूल, बेटा नोट कर लीजिए ना, ये डायपोल मॉलिक्यूल है, मैं थोड़ा आगे जा रहा हूं, नोट कर लीजिए, कुछ जगह तो बता देना मुझे, ये डायपोल मॉलिक्यूल है, मतलब H2 को आप पहले कह रहे हो सर पोलर मॉलिक्यूल है,
पोलर मॉलिक्यूल का मतलब है इसका डायपोल मोमेंट जो है इट इज नॉट जीरो. ओके 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 सर आई गॉट इट. बट एंड दिस डायपोल मोमेंट हैज सिंबल कॉल्ड एज म्यू. इसका सिंबल म्यू रहता है. जरा ध्यान से पढ़ना, मुझे आप सबका एक इसमें बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट ड्यूरेशन चाहिए होगा. यस यस हर्षदेव. तो डायपोल मोमेंट इज नॉट जीरो. डायपोल मोमेंट पोलर मॉलिक्यूल का, ठीक है. तो वाटर का ये पोलर मॉलिक्यूल है. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में ये होता है, ये होता है एक, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव. इसका मतलब ये इसको कहते हो पॉजिटिव डायपोल. ये पूरा तो पोलर मॉलिक्यूल है, इसको कह दोगे पॉजिटिव डायपोल. सर अब क्या बता रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. समझ आएगा ना, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा बेटा. इसको कहते हैं नेगेटिव डायपोल. जब डॉक्टर ने शुरू से टॉफी खाने की आदत दी हो एक डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर आके ठोस दे इंजेक्शन, टाइम लगता उसमें, थोड़ा टाइम लगेगा. तो ये पॉजिटिव डायपोल है, ये नेगेटिव डायपोल है. इस पॉजिटिव डायपोल पे, पॉजिटिव डायपोल पे ये बात समझिए, पॉजिटिव डायपोल पे नेगेटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जाएगा और नेगेटिव डायपोल पे, समझ लीजिए लिख लीजिए ये जिंदगी के अंदर बहुत काम आएगा, जाएगा पॉजिटिव एंड. किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव? सर नेगेटिव एंड जाएगा क्लोरीन नेगेटिव NaCl का. पॉजिटिव एंड जाएगा सर Na पॉजिटिव. ओ इट इज यस. और जब इनके बीच में ऐसे इंटरेक्शन होती हैं, जब इनके बीच में ऐसी मजेदार जफ्फी डलती हैं, जादू की जफ्फी डलती है, किसको कहते हैं डायपोल. आज डायपोल इंटरेक्शन. आज तक तो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आज तक आपने, आपने आज तक पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन. आज सर ने भेज दिया आपने आज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन. अगेन रिपीट कर रहा हूं, इमेजिन कर लीजिए आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड है एक्वा सॉल्यूशन में, क्या बन गया Mg+2+2 क्लोरीन नेगेटिव. सर क्या हुआ? ओ हुआ क्या भाई, ये जाएगा आपका नेगेटिव डायपोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के पास और ये जाएगा पॉजिटिव डायपोल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल के पास. सर ये क्यों जाएगा? इनको ऐसी कौन सी लालच दे रहे हो, इनको कौन सी टॉफी खिला दी, इनको क्या किया? तो याद रखिए इनको यहां पे क्या मिला, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस मिली. दे गॉट डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिली. और सर यहां पे क्या मिला इनको, यहां भी मिला डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस. ओ हो सर इनको ये लालच मिलता है, बिल्कुल मिलता है. और सर कितनी तरह की फोर्सेस होती है, बहुत तरह की फोर्सेस होती हैं, बहुत तरह की. आपको एक और दिखाता हूं, दो तरह की और फोर्सेस दिखाता हूं, जरा देखिए. आप इमेजिन कर लीजिए CCl4 मॉलिक्यूल है. अब CCl4 का ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, जिसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है. वो क्यों सर, इसका डायपोल मोमेंट जीरो क्यों है, आपको प्रूव कर देता हूं इसका डायपोल मोमेंट जीरो क्यों है. म्यू जीरो, म्यू मतलब डायपोल मोमेंट, ये बात समझ रही है. म्यू का मतलब डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाता है. क्यों होता है? करेक्ट, वेरी गुड. जिसको नहीं पता, वेरी गुड. ये CCl4 होता है. तो मेरे भाइयों और बहनों ये निकलता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज. करेक्ट सर, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज. भाई जो डायपोल मोमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी तो आपको पता ही है, अपने 9th के फिजिक्स के पहले चैप्टर में पढ़ी है. डायपोल वेक्टर क्वांटिटी विच हैज अ डायरेक्शन एंड अ मैग्नीट्यूड. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये आपस में बड़े कैंट बनते हैं ना. एक गाड़ी इधर जा रही है, एक गाड़ी इधर जा रही है, आपस में कैंसिल कर देती है, ये कैंसिल कर देते हैं.
इसी तरह इसके ऊपर भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव चार्ज बराबर है, ऑपोजिट है, तो बेटा कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट जीरो माना जाता है। ये बात समझनी है, ये बात सीखनी है। तो सर इसका मतलब हुआ, यस बेटा बोलो, इसका मतलब हुआ NH3 है। NH3 को क्या हुआ, NH3 का अगर मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, दिखाता हूं अगले पेज पे, नोट कर लिया आपने, अगर NH3 का स्ट्रक्चर बनाओ तो सर, यस बेटा जी बोलो, इसका मतलब ये हो गया। तो आप ये मत समझना कोई पूछ रहा है, मैं खुद सेल्फ टॉक कर रहा हूं आपके एक्सप्लेनेशन के लिए। तो ये और ये दूर दूर है, इनमें प्यार मोहब्बत नहीं है, एक पाकिस्तानी है, एक साउथ कोरिया है, कोई मोहब्बत ही नहीं है, इंडिया अमेरिका वाला प्यार ही नहीं आ रहा है इनमें, मोदी ट्रंप वाला प्यार ही नहीं आ रहा है इनमें, इनमें तो प्यार है मोदी और बिडेन का, आपस में झगड़ रहे हैं, इन्हें फ्रांस इंडिया वाला प्यार ही नहीं आ रहा, आतंकी हमला फ्रांस में हुआ, इधर मोदी जी जाग गए, इनमें वो प्यार आ रहा है, इनमें वो हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला प्यार आ रहा है, दूर दूर कोई बात ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा ऐसे केस में, ऐसे केस में ये कैंसिल नहीं करेंगे, इसलिए इनका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, नॉट जीरो, नॉट जीरो। ये बात समझनी है, ये बात अपने दिल में बसानी है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। तो फिर आप कहोगे सर एक और जरा बात समझो, मैं कहूंगा पूछो सर BF3 का बना के दिखाओ, मैं कहूंगा जरूर आगे दिखाऊंगा BF3 बोरोन F F एंड F है ना, इनका बना के दिखा दीजिए, बना के दिखा दिया, अब क्या होगा सर इसका भी, सर क्या सवाल है, ये भी तो नॉन, ये भी तो पोलर होगा, क्योंकि ये पोलर है, इसकी जीरो है, हाँ ये पोलर है, तो सर ये भी तो पोलर होगा, भाई बहन है, एक छोटा है एक बड़ा है, दोनों तो ग्रुप 15 के हैं, नहीं सर इसका डायपोल मोमेंट जीरो है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, एक घर में एक पाकिस्तानी एक हिंदुस्तानी, ये तो वो कहानी होगी जो मैं सुनाता होता था, एक बाप दो बेटे, एक बहुत तरक्की करता है एक बहुत शराब पीता है, एक पास में खड़ा इंसान जाके पूछता है कि एक ही बाप एक ही खून एक ही क्रोमोसोम्स, भाई एक ही जीन्स, दो अलग अलग वैरायटीज कैसे पैदा होगी, एक मोहल्ले का DC एक मोहल्ले का शराबी, फर्क क्या है, तो वो कहता है एटीट्यूड का फर्क है, उसने देखा मेरे बाप को शराब पीते, मैंने देखा मेरी मां को तड़पते, मैं उल्टा बन गया, यही काम इनका है, एक ही ग्रुप 15 दोनों की अलग अलग प्रकार, फर्क क्या आ गया, फर्क आया, बहुत फर्क आया, फर्क यहां पे आया, देखना अभी इसमें डायपोल बरोन अगर आप देखो तो क्या अटॉम किसका, बरोन का 2-3-13 ग्रुप, ये ग्रुप 15 नाइट्रोजन, भैया इसमें देर इज नो लोन पेयर, ये बात समझिए, इसमें देर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए रिजल्टेंट मूवमेंट लगता है, वेक्टर्स में फिजिक्स में रिजल्टेंट मूवमेंट कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर ने अगर कभी निकाल लो आप याद रख लीजिए, μ1² + μ2² + 2μ1 μ2 cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है सर, इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकाल दिया इस वाले का और इस वाले का F, मेरी बात समझे, ये जो जबरदस्त आ गया ना बीच में, ये घपला करने वाला, ये फ्लोरीन, ये इसका और इसका रिजल्टेंट है, ओके I got it a bit. थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है मुझे, ये वाला फ्लोरीन और ये वाला फ्लोरीन का ये रिजल्टेंट है, ओके अब मुझे बात लगी समझ, तो अब ये वाला फ्लोरीन और ये वाला फ्लोरीन क्या करेगा मेरे बच्चों, कैंसिल कर देगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका और इसका ये रिजल्टेंट है,
और ऊपर नीचे कैंसिल कर देगा, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट जीरो रहेगा। इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये आपको बात समझनी है। एनी क्वेश्चंस प्लीज, एनीवन हैविंग अ क्वेश्चंस प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, लोन पे ऐसे क्या हो जाए? तो मैं ये बता रहा था कि जहां जहां लोन पे आ जाए वो मॉलिक्यूल कभी डायपोल मोमेंट में जीरो नहीं होता, वो हमेशा एक पोलर मॉलिक्यूल रहता है। जिसमें लोन पेयर आ गया भाई, जिसमें लोन पेयर नहीं है वो क्या रहेगा? हमेशा और हमेशा पोलर रहेगा और नॉन पोलर रहेगा। मेरी बात समझा? तो इसमें आपके पास यस, सब केसेस में ये 120% फैक्ट बता रहा हूं। इसमें क्या रहा? लोन पेयर, ये पोलर मॉलिक्यूल, इसमें लोन पेयर नहीं है तो क्या बन गया? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये मेरी बात लगा समझ? यस सर। चलिए थोड़ी बात हाई लेवल की हो जाएगी, थोड़े बच्चों को समझ कम आ रही है। आगे मैं देख रहा काफी बच्चे प्यार मोहब्बत से कहते हैं हमें पढ़ना है, अब थोड़े थोड़े गैप हो रहे हैं, रीजन की समझ ही नहीं आ रही बेचारों को। चलो कोई बात नहीं, आइए जी। तो अब हमारे पास CuSO4 है, सपोज कर लो ये, इसको मैंने पानी में डिजोल्व कर दिया। या श्रेष्ठ आपके घर, श्रेष्ठ हमारा एक स्टूडेंट है, श्रेष्ठ आपके घर, श्रेष्ठ के घर में बिस्किट्स पड़े हैं, मैं गया था इसने बिस्किट्स खोल दिए, है ना हर्षदेव? तो व्हाट विल हैपन नाउ, प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। श्रेष्ठ के घर में बिस्किट थे, बड़े टेस्टी थे, फॉरेन से मंगवाए थे, इसने खोल दिए, हैंडमेड बिस्किट्स, थ्री इडियट्स वाले वो कहता है हैंडमेड चिप्स के बदले बिस्किट। तो अब ये बिस्किट मैंने खाए नहीं, कहता हैंडमेड ना, मैंने क्या पता नहीं गंदे हाथों से बने होंगे, मैं तो खाया ही नहीं। तो अब यहां पे जो मुझे इसको बिस्किट जो मिले ना थोड़ी देर के बाद, मेरे जाने के बाद वो मिले सलाबे हुए बिस्किट, वो मिले बिस्किट जिनमें पानी आ गया, जो पानी मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर चुके एटमॉस्फेयर से, इनको कहते हैं व्हाट डू टर्म द मैश, टर्म द मैश हाइड्रेटेड बिस्किट्स। ओके 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 सर, दिस इज द कॉन्सेप्ट, यस सर। फॉर एग्जाम्पल CuSO4 प्लस H2O आप जब हवा में डालते हो तो ये क्या बन जाता है? CuSO4.5H2O, इट फॉर्म्स CuSO4.5H2O। नाउ दिस 5H2O इज कॉल्ड एज द वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वेरी गुड, इट इज कॉल्ड एज द वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी मैं पढ़ा रहा था शाम को बच्चों को ऑफलाइन में, 5H2O दिस ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ वाटर। ये 6:15 की बात है, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था ऑफलाइन, ये हाइड्रेट्स ऑफ वाटर होता है, बच्चे थे उनको पढ़ा रहा, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ वाटर, ऑल्सो कॉल्ड एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बात समझनी है, सिंपल सी बात है, अगर आपको घुमा फिरा के कोई बताएगा तो मुश्किल कर देगा, तो मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, इट इज कॉल्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ वाटर, सिंपल। ठीक है, तो इसको कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ वाटर, ये बात समझनी है। ठीक है भाई, अब जैसे मैं बता चुका हूं आपके पास इलेक्ट्रो, हम स्टार्ट जाते हैं जहां पे हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, हम वहीं पे चलते हैं वापस। तो इलेक्ट्रोलाइट्स थे हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पास कौन कौन था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स था, दूसरा हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में इनमें ग्रेटर वैल्यू ऑफ अल्फा थी, और इनमें लेसर वैल्यू ऑफ अल्फा थी। अल्फा कौन था जिसको ये भूल गया, दोबारा रिपीट करवा रहा हूं, केशव, अल्फा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन। ये बात आपको सीखनी है, ठीक है भाई, ये बात आपको सीखनी है। ठीक है बच्चों, एक अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखना है, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये आपको लग गया समझ। अब जितने भी आपके पास होते हैं जितने भी आपके पास सॉल्ट्स होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं, सॉल्ट्स, एसिड्स एंड बेसिस।
जितने भी सॉल्ट्स एसिड्स एंड बेसिस होते हैं बेटा वो क्या होते हैं जनरली इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आता, ये बात समझनी है आपको। अब इनमें कैसे पढ़ना है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, आई एक्सप्लेन यू बिट, वो मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ, बहुत इजी काम है ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स में तो हम अब थोड़ा एसिड पे जाते हैं, बेसिस पे जाते हैं, सॉल्ट पे जाते हैं। तो एसिड्स क्या होते हैं बेसिकली, एसिड्स को तीन बंदों ने डिस्क्राइब किया था, मैं अब एक ही बंदे की थ्योरी बताऊंगा, तीन बंदे का ऐसे बता देता हूँ, अरहेनियस, ब्रॉन्स्टेड, लुईस, तीन बंदों ने एसिड को डिस्क्राइब किया। बेस को भी तीन बंदों ने डिस्क्राइब किया, मैं दो डिस्क्रिप्शन बता दूंगा। एसिड को किस किसने डिस्क्राइब किया, आई टेल यू, वेट गिव मी अ मिनट। So acids was basically described by three people. There were three theories of acids. पहली थ्योरी को हम कहते हैं अरहेनियस कॉन्सेप्ट, जो हर किताब में रो पिट के दी हुई है, वो भी आधी गलत है मैं मानता हूं, आपको नई थ्योरी दूंगा मैं। फिर कहते हैं ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, और थर्ड कॉन्सेप्ट होता है लुईस कॉन्सेप्ट। ये तीन कॉन्सेप्ट थे। जो अरहेनियस कॉन्सेप्ट है वो आप सबको पता है, एसिड इज अ कंपाउंड विच कैन गिव एच पॉजिटिव आयंस, सिंपल, जो एच पॉजिटिव आयंस दे, जैसे H2SO4, एच पॉजिटिव HSO-1, 4 HNO3, H पॉजिटिव N-1, 3, ये बात समझनी है। ये सारे कौन होते हैं, आपके अरहेनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, ये होते सिंपल, कहते ये कहता है ये आपके एच पॉजिटिव है, ये अरहेनियस कॉन्सेप्ट है, फिर यू विल आल्सो फाइंड बेनिफिट आउट ऑफ दिस। नाउ व्हाट इज ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट होता है एसिड, इट इज एन एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज एन एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट था। इसको वैसे पूरा कॉन्सेप्ट का नाम पूछो मेरे से तो इसको कहते थे ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, इस पूरे कॉन्सेप्ट का नाम था। जाओ गारंटी देता हूं, यूट्यूब का कोई लेक्चर निकाल दो, किसी एक्स वाई जेड के पापा जी की कॉर्पोरेट कंपनी निकाल दो, जो 10th में ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट बता दें, कोई एक बंदा बता दे हिंदुस्तान में, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ 9th-10th के बच्चे हो आप, ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट आता है +2 के एक चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, इट इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तभी मैं कहता हूँ व्हाट वी इज ग्रेट डूइंग ब्रॉन्स्टेड, जैसे इसका, जैसे जितने भूखे रहे, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, इसने प्रूव किया कि जो BF3 है, इस कॉन्सेप्ट ने प्रूव किया BF3 इज एन एसिड, इस कॉन्सेप्ट ने प्रूव किया AlCl3 इज एन एसिड, इस कॉन्सेप्ट ने प्रूव किया, मैं आपको प्रूव कर दूंगा अभी, अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। अब मैं एग्जांपल लेता हूं एक छोटा सा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे BF3 में, मैं तो एग्जांपल से बात करता हूं, ऐसे बात नहीं हवा में करता। बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस में, 3 होते हैं, फ्लोरीन में 7 होते हैं, 1 माना जाता है, 3 में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो इट इज इनकम्प्लीट ऑफ ऑक्टेट, मतलब भूखा है इलेक्ट्रॉन्स का। इसमें भी 3 होते हैं, इसमें भी 1 और 3 बन जाते हैं 6, ये भूखे हैं इलेक्ट्रॉन्स के, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनका ऑक्टेट खाली है, इसको हम कहते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। और लुईस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहता है जी इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर, फिर वही बात आ गई, ठीक है। ये जो है ना, ये
ये कई कई बार कुछ कुछ किताबों में, कुछ किताबों में रिपीट कर रहा हूं, ये यहां लिखा होता है प्रोटोन एक्सेप्टर और प्रोटोन डोनर, ये भी लिखा होता है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं। यहां लिखा होता है प्रोटोन एक्सेप्टर, ये बात समझनी है। किसी को इन तीनों कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम तो मेरे से पूछ लो, आई कैन हेल्प यू विद दैट। यहां से उसने निकाला, वो आपको पता है, सिंपल सी बात है, दैट्स कॉल्ड अ बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। किसी को अभी भी नहीं पता तो वो सीख ले। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस released per molecule of an acid, ठीक है ना। ये थोड़ा बात समझनी है, जैसे CH3 COOH, HCl HNO3, इसको N से सिंबलाइज भी कर लेते हैं, N से सिंबलाइज, इसका N 1, इसका N is 1, N is 1, N is 2, N is 2। इसी तरह अगर आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा H3PO2, तो इसका N 2 है और इसका N 3 है। ये बात आपको समझ, ये कैसे निकाला, ये कैसे निकलता है, कुछ इस तरह निकलता है। ये सारा कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे विद प्रूफ दिखाता हूं आपको। जब आप CH3COH को आयोनाइज करते हो, एक निकला, HCl को आयोनाइज किया, प्लस Cl नेगेटिव, HNO3 को आयोनाइज किया, H2SO4 को आयोनाइज किया, छोड़ो 2H निकाल दो यार, मेरी बात समझ रहे हो, H3PO3 को आयोनाइज किया, H3PO4 को आयोनाइज किया, PO-3 4। ये बात समझ रही है आपको। सो जितने यहां पे हाइड्रोजन आयन आएंगे, N1, N2, N3, अगर नाम नहीं याद तो उसको फॉस्फोरिक एसिड लिखते हो, इसको फॉस्फोरस एसिड लिखते हो, ठीक है। ये एश को एसिड कैसे बता चुका हूं, ये आपको बात समझनी है, ठीक है। इसी के बेसिस पे आपको मिल जाते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स, वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाते हैं, विच कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू आयंस, अच्छा वीक एसिड्स which partially dissociate into ions, वही हो गया strong and weak electrolytes, ठीक है। इतनी हम आज acids की properties पढ़ेंगे। किसी को समस्या तो मेरे से पूछो, सर मुझे समस्या मैं बता सकता हूं।